ओके okay, चलिए अब हम देखेंगे समिट कर्म। ठीक है, समिट कर्म का हम एक क्वेश्चन देखेंगे। समिट कर्म का हम एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन का गिवन डाटा आप क्वेश्चन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन बोल रहा है गिवन द साइड डिस्टेंस एज द 120 मीटर द हाइट ऑफ द ड्राइवर आइज। ठीक है, साइड डिस्टेंस दे रखा है। साइड डिस्टेंस बोला है 120 मीटर और बोल रहा है ड्राइवर्स आई एज द 1.5। देखो ड्राइवर्स आई की जो हाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एच बोलते हैं। ठीक है, 1.5 मीटर। आप पहले क्वेश्चन का पूरा पढ़ लीजिए। द हाइट ऑफ अवस्थैकल, अवस्थैकल की हाइट मैं स्मॉल एच बोल देता हूँ। मतलब इसने किसकी बात करी है भाई, इसने बात करी है सबमिट कर की। ठीक है, 0.15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में लिख ले रहे हैं। अब हम दूसरा अपना बोल रहा है द ग्रेड डिफरेंस ऑफ द इंटरसेक्टिंग ग्रेडियंट्स। इंटरसेक्टिंग ग्रेडियंट्स हैं उनका ग्रेड डिफरेंस एन, कैपिटल एन इज द ग्रेड डिफरेंस होता है। ठीक है, वो वैल्यू देखिए 0.09। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ समिट पैराबोलिक कर्व। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ समिट पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, अब हमको ये क्वेश्चन करना है। आपको पता है क्या पता है, आपको पता है कि जब समिट कर्व को हम डिजाइन करते थे ना, तो यहाँ पर हमारे दो अप्रोच हुआ करते थे। दो अप्रोच हुआ करते थे, कौन कौन सा अप्रोच हुआ करता था कि जब एक था एसएसडी वाला और दूसरा था ओएसडी वाला। ठीक है, दूसरा था ओएसडी, लेकिन एसएसडी में भी हमारे दो हुआ करते थे। जब एल इज ग्रेटर देन द एसएसडी और एल इज लेस देन द एसएसडी। ठीक है, एल इज ग्रेटर देन एसएसडी, एल इज लेस देन द एसएसडी। यहाँ पर आपको चाहिए कि आपको दोनों अप्रोच से आपको क्वेश्चन करें, दोनों अप्रोच से आप क्वेश्चन करें, और फिर यहाँ पर जो भी आपको आंसर मिले, सेटिस्फाइड आंसर मिले, आप उसको यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर करेंगे कि एल इज ग्रेटर देन द एस एस डी, तो आप क्या फार्मूला जानते थे। हम इसके लिए फार्मूला जानते थे एल इज ग्रेटर देन द एस एस डी। हम इसके लिए क्या फार्मूला जानते हैं भाई, हम फार्मूला जानते हैं क्या, एल इज एन एस स्क्वायर अपान रूट में 2 × कैपिटल H प्लस रूट में 2 × स्मॉल H इसका पूरे का स्क्वायर। वैसे हमने क्या किया था, हमने एक फार्मूला निकाला था एन एस स्क्वायर अपान 4.4। ओके, अब आपको करना क्या है, ये जो आपको चीज़ दे रखी है, ये जो फार्मूला आपको दे रखा है और जितनी वैल्यूज आपको गिवन है सारी वैल्यू जिसने पुट करी है। देखिए मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई वैल्यू ऐसी है जो नॉट गिवन है। देखिए एन की वैल्यू आप लगाइए 0.09, एस की वैल्यू आप लगाइए कितनी 120, आप एन एस स्क्वायर करिए। ठीक है, इसका स्क्वायर करिए और डिवाइड में आप लगाइए √2, और एच की वैल्यू कितनी 1.5, ये पूरा रूट में है, प्लस √2 × 15 सेंटीमीटर हमें हाइट ऑफ ऑब्स्टेकल दे रखी है, इसको 0.15 लीजिए, 0.15 मीटर। अब आप इसका पूरे का स्क्वायर लगाइए और आप बताइए यहाँ पर कितना आंसर आया है, लेंथ ऑफ समिट कर्व। आप यहाँ पर बोल सकते हैं ना लेंथ ऑफ समिट कर्व को, आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज द क्रेस्ट कर्व। समिट कर्व को क्रेस्ट कर्व भी बोल सकते हैं, और इसका जो भी आंसर आएगा 249.36 के आसपास का आंसर आएगा, इतना मीटर होगा। आप इसको क्या है कि नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ और फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वो भी आसानी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो बहुत ही मुझे तो नहीं लग रहा है कि हार्ड है। इजी क्वेश्चन था, इफ़ एन असेंडिंग ग्रेडियंट क्वेश्चन। आप देखिए इफ़ एन असेंडिंग ग्रेडियंट, देखिए असेंडिंग ग्रेडियंट दे रखा था, कह सकते हैं एन वन की वैल्यू दे रखी थी। असेंडिंग है तो मतलब क्या है, ये प्लस में जाएगा 1/50। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या दे रखा था इसमें, इतना मीटर वन इन 50 मीटर, और दूसरा असेंडिंग ग्रेडियंट था एन टू, दूसरा भी असेंडिंग ग्रेडियंट था, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 1 in 30। और पूछा क्या था, पूछा था द डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल
व्हाट इज द डेविएशन एंगल? देखिए डेविएशन एंगल अपना एन ही है, जिसको डिफरेंस ऑफ द ग्रेडियंट्स बोल रहे थे। तो एन इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या था, एन वन माइनस एन टू। देखिए एन वन भी अपना असेंडिंग ग्रेडियंट है 1/50, और दूसरा अपना कैसा, दूसरा भी असेंडिंग ग्रेडियंट है, एन टू की वैल्यू आप लगाइए -1/30। बीच में माइनस है, खाली डिफरेंस लेना है। ओके, केवल डिफरेंस लेना है, असेंडिंग है तो प्लस और डिसेंडिंग है तो माइनस। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या वैल्यू आपको मिलेगी। 30 माइनस आप 50 करेंगे, डिवाइड में करेंगे 30 इंटू 50 या 50 इंटू 30, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस में 20, यहाँ पर आपको मिलेगा 15 × 2 = 30, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा 300, यहाँ से आप इसको काटिए और जो भी वैल्यू मिलेगी माइनस में 1/ ओके 300 नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा 15 × 00, ये 15 × 00 ये, ठीक है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर आपको मिलेगा कितना, माइनस का 20 और इधर मिलेगा 15 × 00, यहाँ से आप इसको करेंगे और इसका पूरे का क्या करना, मॉड लेना है, मॉड जो नेगेटिव चीज़ आती है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करना है, लेकिन आप नेगेटिव लिख सकते 75 आपको मिलेगा नेगेटिव में, तो आप कह सकते हैं ये असेंडिंग ग्रेडियंट होने वाला है, असेंडिंग नहीं बल्कि डिसेंडिंग ग्रेडियंट होने वाला है, ये डिसेंडिंग ग्रेडियंट होने वाला है, ये वैल्यू आ रही है डिसेंडिंग ग्रेडियंट, आपको यहाँ से मिले डेविएशन एंगल में, आप लिख सकते हैं 1 × 75, ये डिसेंडिंग आप बोल सकते हैं। अगर आप इसको एन की वैल्यू, एंगल की वैल्यू उसने पूछी है, तो आप इसको क्या है माइनस हटाइए और जो भी वैल्यू है 1 को 75 से डिवाइड कर दीजिए, इतना तो आप करना जानते हो किस तरह से वैल्यू को क्या पूछा है। ओके, आप इसको कुछ इस तरह से करेंगे तो यही आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं समीट कर्म का। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं समीट कर्म का, उसका आप गिवन डेटा लिख लीजिए क्या पूछा है समीट कर्म में, क्या बोला है। ठीक है, समीट कर्म में बोला है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्रेस्ट वर्टिकल कर्व ज्वाइन टू ग्रेडियंट्स 3% and 2%। देखिए 3% और 2% एन टू की वैल्यू -2% दे रखा है, इसका मतलब क्या है, 3/100 यहाँ पर करिए और यहाँ पर करिए, 2/100 आप यहाँ पर करिए, माइनस का ध्यान रखिए, ठीक है। और क्या दे रखा है, डिजाइन स्पीड बी की वैल्यू दे रखी है 80 km/h। और क्या पूछा है, और दे रखा है करस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एस की वैल्यू लिख लीजिए आप 120 दे रही है, क्या पुराना ही है क्या, अभी जो किया था नहीं। द हाइट ऑफ ड्राइवर आई लेवल एंड द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सर्फेस, यहाँ पर कैपिटल एच की वैल्यू आपको 1.2 दे रखी है और ऑब्जेक्ट अबव द रोडवे सरफेस आपको दे रखा है 0.15, क्या 0.15 मीटर। और क्या पूछा है, द कर्व लेंथ लेस देन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, कर्व लेंथ लेस देन द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ओके, कुछ ये अभी मैंने आपको बताया था क्या, देखिए अपनी जो ये स्टैंडर्ड सिचुएशन थी तो उसमें यही आपका क्या था, यही आपका लिया गया था, अजम्पशंस थी कि आपको यही दोनों चीज़ें लेनी हैं। अब देखिए जब हम क्या जानते थे, यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि वर्टिकल कर्व में हम बात करते थे SSD कंसीडरेशन, SSD में आता था L इज ग्रेटर देन द SSD, L इज लेस देन द SSD। तब यहाँ पर आपको क्या मिलता था, यहाँ पर आपको जब हम कैपिटल एच की वैल्यू लेते थे 1.2 और स्मॉल एच की वैल्यू लेते थे 0.15, तो यहाँ पर फार्मूला मिलता था NS² / 4.4। और यहाँ पर क्या मिलता था, यहाँ पर L की वैल्यू जो है मिलती थी हमें 2S − 4.4/N। तो बस आपको वही करना है, यहाँ पर आपको ये वाली सिचुएशन की बात करी है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2S − 4.4/N। 2 की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 120 है और -4.4, और एन की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं। आप यहां पर ऐसा कर सकते हैं ना कि एन के लिए
एन कैपिटल एन इक्वल टू एन वन माइनस एन टू करिए और यहाँ से आप 3 प्लस 2 कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 5% जो भी चीज़ मिलेगी, तो एन की वैल्यू आप यहाँ पर करिए 5/100 और जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यू मिलने वाली है। आपको यहाँ पर जो भी आंसर मिलेगा मिलेगा 152 मीटर के आसपास। ओके, ओके, तो फिर आज की वीडियो में इसमें जो है हमने कवर किया समिट कर्व और वैली कर्व। ओके, समिट कर्व आप देख सकते हैं, समिट कर्व पे बेस्ड हमने 2-3 क्वेश्चन भी देखे हैं और वैली कर्व पे भी, वैली कर्व पर बेस्ड भी हमने क्वेश्चन को देखा है। तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।